मूंग दाल पनीर चीला बनाने के लिए हमने लिया है लगभग 100 ग्राम पनीर और पनीर को हमने ग्रेट करके रखा है। लगभग 200 ग्राम मैंने मूंग की दाल ली थी, धुली हुई मूंग की दाल जो पीली दाल होती है, और उसको मैंने भिगो दिया था। और ये भीगी हुई मूंग की दाल है। और साथ में हमने लिया है एक छोटा प्याज बारीक कटा हुआ, एक छोटा टमाटर बीज निकाल के बारीक काटा हुआ, 3-4 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, थोड़ा सा हरा धनिया, 1 टेबलस्पून मैंने नमक लिया है, 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है, और थोड़ा हमें चाहिए रिफाइंड ऑयल चीले तलने के लिए। तो सबसे पहले हम ये भीगी हुई जो मूंग की दाल है इसका एक फाइन पेस्ट बनाएंगे। ये हमने मिक्सर जार में मूंग की दाल डाल ली है पानी से निकाल के अलग से, और इसमें हम डाल लेंगे नमक। इसमें मैं डालूंगी लगभग 1/2 टीस्पून के करीब नमक हम डाल लेंगे। साथ में हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाला, ये आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज्यादा ले सकते हैं। 1/4 चम्मच डाल देंगे इसमें हल्दी पाउडर, और इसमें अब हम डालेंगे लगभग 1/2 कप पानी, और इसका एक फाइन पेस्ट हम बना लेंगे। ये देखिए बहुत फाइन पेस्ट हमने दाल का बना लिया है, इसे हम एक बोल में निकाल लेते हैं। ये देखिए दाल का हमने जो पेस्ट बनाया है उसकी कंसिस्टेंसी देखिए आप, ये इस तरह से फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए। तो इसको हम रख देते हैं साइड पे, और अब हम बनाएंगे अपनी पनीर की स्टफिंग। पनीर की स्टफिंग बनाने के लिए हम ये जो थोड़ा सा नमक बचा हुआ है ये हम पनीर में डाल देंगे, और ये थोड़ा कम ही डाला है मैंने क्योंकि इसमें भी नमक है, और थोड़ी सी हम डाल देंगे लाल मिर्च, ये आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। थोड़ी सी हम डाल देंगे इसमें हरी मिर्च, अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च को आप अवॉइड कीजिए। थोड़ा डालेंगे इसमें हरा धनिया, और इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सब चीजें मिक्स हो गई हैं। प्याज और टमाटर हमने रखा है क्योंकि कुछ लोगों को पनीर के साथ प्याज और टमाटर भी मिले हुए स्टफिंग में अच्छे लगते हैं, तो ये मैंने अलग रखे हैं। हम दोनों तरह से चीले बनाएंगे, प्लेन पनीर के बनाएंगे और प्याज टमाटर मिक्स करके बनाएंगे। तो चलिए चीले बनाना शुरू करते हैं। गैस पे तवा रख दिया है और तवा गर्म हो गया है, इस पे हम देंगे थोड़ा पानी का छींटा और एक बार इसे पोंछ लेंगे, और अब थोड़ा सा हम इसमें ऑयल ड्रिजल करेंगे और तवे को थोड़ा सा चिकना करके पोंछ लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे ये हमारा बैटर। ध्यान रहे तवा बहुत गर्म नहीं होना चाहिए और बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा बैटर मैंने इसमें डाला, इसे डोसे के जैसे इस तरह से फैलाना शुरू करेंगे, जितना बड़ा आप बना सकते हैं। और गैस को हम मीडियम लो पे रखेंगे, इसको तब तक पकने देंगे जब तक कि इसका ऊपर का कलर थोड़ा चेंज ना हो जाए। देखिए लगभग 50 सेकंड हुए हैं और चीले का जो कलर है ऊपर से चेंज हो गया, बिल्कुल ऊपर से ड्राई सा दिखने लगा है। तो इस पे अब हम थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल कर देंगे, और साइड में भी थोड़ा सा ऑयल हम डाल देंगे ताकि नीचे से चीला हल्का सा ब्राउन हो जाए। गैस को हम मीडियम लो रखेंगे, ज्यादा तेज नहीं करेंगे, और ये जो किनारे है ना इनको हम थोड़ा सा इस तरह से दबाते हुए और तेल को चीले के ऊपर फैलाएंगे ताकि एक साथ हमारा चीला जो है वो दब भी जाए, दबा के हम सेक भी लें उसको, और तेल भी जो है हमने जो डाला है ऊपर से वो चारों तरफ इसके फैल जाए। और इसको थोड़ी देर और सेकने देंगे। यहां बीच में हल्का ब्राउन कलर दिखने लगा है, यानी चीला हमारा थोड़ा सा सिकने लगा है, तो हम धीरे से इसको इस तरह से स्क्रैप करके तवे से उठाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए नीचे से चीला सिक गया है। अब हम क्या करेंगे, स्टफिंग डालेंगे इसके ऊपर पनीर वाली, अच्छे से स्टफिंग को फैलाएंगे, और जितनी आपको अच्छी लगती है उतनी स्टफिंग डालिए। चीले को हम अच्छे से फोल्ड कर देंगे और इसे गैस से हम निकाल लेंगे। बहुत अच्छा हमारा पनीर चीला बनके तैयार हुआ है,
और अब दूसरा चीला बनाने के लिए हम तवे को वापस से साफ कर लेंगे और इस पे थोड़ा पानी ड्रिजल करेंगे। पानी हम क्यों डालेंगे, ताकि जो तवे का टेम्परेचर है जो हाई हो गया है, तेज हो गया, वो थोड़ा कम हो जाए। गैस को एक बार थोड़ा सा कम कर देंगे, वापस से हम जरा सा तेल इसमें डालेंगे और तेल को भी पोंछ लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे एक और चीले के लिए मिक्सचर, और ये वाला चीले के जो स्टफिंग में, इसमें हम प्याज और टमाटर दोनों डालेंगे। धीरे धीरे आराम से फैलाइएगा, बहुत पेशेंस से, जल्दबाजी नहीं करनी हमें, और इसे भी सिकने देंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। देखिए कलर एकदम चेंज हो गया है, चीला पकाव पे आ गया है, और इस पे हम वापस से थोड़ा सा तेल डाल देंगे, साइड में भी थोड़ा सा डाल देंगे, और तेल को हम स्पैचुला की सहायता से इस पे फैलाएंगे और थोड़ा सा हल्के हाथ से दबाते हुए चीले को थोड़ा प्रेस करेंगे, ताकि नीचे तक ये आराम से तेल जाए और ये अच्छे से सिके। फिर हम थोड़ा सा वेट करेंगे, जब हमें यहाँ थोड़ी सी ब्राउन चित्ती दिखने लगेगी, इसका मतलब हमारा चीला अंदर से सिकने लगा है, उस टाइम हम इसके ऊपर स्टफिंग रखेंगे। गैस मीडियम लो पे है और बीच में से लाइट ब्राउन कलर मुझे दिखने लगा है, तो मैं इसके ऊपर अब स्टफिंग रखना शुरू करती हूँ। ये हम डालेंगे इस पे पनीर का मिक्सचर, साथ में हम डाल देंगे थोड़ा सा प्याज और टमाटर, साथ में थोड़ी हरी मिर्च और हम डाल देते हैं इसमें, थोड़ा चटपटा चीला अच्छा रहेगा। हरा धनिया भी थोड़ा सा इसके ऊपर और डाल देते हैं, और अब इसे हम किनारों से अलग करते हुए, ये देखिए सिकने लगा है, बहुत आराम से चीला जो है वो हमारा सिक जाता है। थोड़ा सा लाइट कलर है इसका, मैं थोड़ी देर इसको और रखती हूँ गैस पे, लगभग कुछ सेकंड और हो गए और ये हमारा चीला भी सिक के तैयार है। देखिए कितना अच्छा हमारा, बहुत ही टेस्टी सा चीला हमारा बन के तैयार है, और इसे हम गैस से हटा लेते हैं। लीजिए हमारा मूंग दाल चीला बनके तैयार है, बिल्कुल पनीर की सिंपल स्टफिंग के साथ, और जो ये चीला है हमने बनाया है पूरी स्टफिंग के साथ, जिसमें टमाटर प्याज सब डाले हैं, और ये बहुत ही सॉफ्ट, हल्का सा क्रिस्प, हल्का सा सॉफ्ट, बहुत टेस्टी चीला बनके तैयार हुआ है। इसे धनिया की चटनी और सॉस के साथ सर्व कीजिए, और बच्चे बड़े सब इसे बहुत शौक से खाएंगे। आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर ट्राई करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और लाइक ज़रूर करें रेसिपी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग सोनिकास कुकबुक।